वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अयोध्या महोत्सव जो छत्री बोर्डिंग में लगा हुआ है उसको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। चलिए फिर अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या है इस महोत्सव में, क्या क्या मिल रहा है और किस तरह के झूले लगे हुए हैं, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने पर आप लोग से रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ब्लॉग। ₹220 के 6 पीस है, एक लेंगे ₹80 का। एक ₹80 का 320 का 6। किस चीज का बना है ये? ब्लैक मिट्टी एमपी। मीरा पान सिंगल डबल दोनों बताइए। सिंगल डबल दोनों, सिंगल कैसे दे रहे हैं? ये पड़ेगा आपको 600। 600 रुपए का ये पड़ेगा आपको 1100। दोनों में क्या फर्क है आप देखो। अरे आप बताओ ना, इसको उठाओ, ये हल्का वो बात। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? लुधियाना पानीपत अमृतसर, तीन ही जगह बने कम्बल। अच्छा, हाँ जी, ₹100 का एक। वाह भाई, जो भी निकाली आप लोग ₹100 एक मिलेगा। कैसे दे रहे भैया? 300 का दो। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। तो आप लोग केवल मेले में दुकान लगाते हैं कि ये महोत्सव में कहीं भी लगाते हैं? जहाँ पे एग्जीबिशन जो लगता है ना वहीं पे हर जगह लगाते हैं। अच्छा, जैसे अपना यूपी हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र। अच्छा, हर जगह लगाते हैं। किस रेट से स्टार्ट है आपके पास? हमारे पास 50 रुपीज से 50 से स्टार्टिंग है जी। तो 1100 रुपये तक का बैग मिलेगा, उसके बाद बेडशीट मिलेगा, कुशन कवर मिलेगा। अच्छा, टेबल क्लॉथ मिलेगा, मेज पोश मिलेगा, ये सब आइटम मिलेगी हमारे पास। सब घरेलू सामान मिलेगा जी और सब एंटिंग चीज़ें मिलेगी आपको। तो इसको आप लोग खुद बनाते हैं किसी से बनवाते हैं? नहीं, हम खुद ही बनाते हैं इसको, लेकिन अच्छा। कारीगर लगे हुए होते हैं। अच्छा, आपके फैक्ट्री में कारीगर लगे हुए हैं? हाँ जी, खुद बनवाते हैं। रहने वाले कहाँ के आप लोग? गुजरात के। गुजरात के, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है संजय गुजराती, सन ऑफ श्यामला।
संजय गुजराती। चलिए ठीक है, आपको दोस्तों आप लोग जब भी आइए तो इनके दुकान पे जरूर आइएगा। देख लीजिए किस अच्छी वैरायटी के बैग हैं इनके पास, हैंडमेड हैं सब लोग। कैसे किस रेट में है अच्छा सब चूड़ियाँ? अलग अलग है, जो चीज़ सबका अलग अलग रेट है। स्टार्टिंग कितने से है, कितने से शुरुआत है? 60 रुपये शुरुआत है। ₹60 में हर एक माल मिल रहा है भैया, हर एक माल का दाम ₹60। पीछे रेस्टोरेंट है जहां आप लोग अपना खा कर आनंद ले सकते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। इसका भी मेनू शेयर कर दे रहा हूं आप लोग के साथ।
दोस्तों अगर आप लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं और इसमें फेंकेंगे, इस पर जो भी रिंग पड़ेगी वो सामान आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इसमें रिंग फेंक रहे हैं, अगर इनकी रिंग पड़ जाती है तो ये जो इस पर पड़ेगी उसका सामान उनका हो जाएगा। ये देखिए पड़ी नहीं इनकी रिंग, फेंकी है लेकिन इनकी पड़ी नहीं रिंग। और इसी के बगल में ही है, अगर आपको बैलून फोड़ने का निशानेबाजी के शौक है तो अपना इसको भी आप आजमा सकते हैं, जस्ट बगल में ही है लगा हुआ है। चलिए आगे हम आपको और दिखाते हैं। ये मिल रही है गर्मा गर्म तंदूरी चाय, इसका आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, ठंडक बहुत है तो आप लोग चाय का इंजॉय कर सकते हैं इस महोत्सव में। चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ का सबसे जो मेन आकर्षण का केंद्र है, यहाँ का कला गांव, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो देखिए एक जिराफ बनाया गया हुआ है इस कला गांव में, और पुराने घर कैसे हुआ करते थे गांव में लोगों को, उसको दिखाने का काफ़ी अच्छा कलाकारों द्वारा बनाया गया है। देखिए पुराने घर बन गया है जहाँ पर लोग अपनी सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं आकर यहाँ पर, और दो घर बनाए गए हैं और इसी के अंदर एक कुआं बनाया गया है कि पहले लोगों के कुआं से पानी का इस्तेमाल करते थे, कुएं के पानी पीते थे और पुराने घर में रहते थे। तो वही सब दिखाया गया है, पुरानी संस्कृति को लोग बोले ना किस तरह से पहले के लोग अपना जीवन यापन करते थे वो भी दिखाया गया। देखिए एक कुआं बनाया गया है और इसके अंदर घर बनाया गया है। किस किस टाइप का चार है भैया आपके पास? बहुत सारे चार। हाँ राजस्थान से आए हैं? अच्छा क्या रेट है? 60 रुपए पाव। 60 रुपए पाव सब? हाँ। थे भैया 1300 रुपए किलो भाईजान। क्या खासियत है इसकी? ये मामरा है भाईजान, पूरा मामरा। अच्छा ये वाला? ये ऑयल के, ऑयल इसमें कम रहेगा। अच्छा ये क्या रेट है? ये 900 रुपए किलो है। 900 रुपए? ये 750 रुपए। तो छिलके वाला? 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। ये क्या है? मुनक्का है। मुनक्का। अच्छा ये क्या रेट है? 400 रुपए किलो है भैया। कहाँ से आए भैया आप? कश्मीर से। कश्मीर से। दोस्तों ये कश्मीर से आए हुए हैं और यहाँ पे अपनी दुकान लगाए हुए हैं, बादाम उदाम की बेच रहे हैं। तो आप लोग जब भी आइए तो इनके यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाइएगा, अखरोट मिल जाएगा हर तरह के, इनके पास ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। ये है क्या? अंजीर है? ये अंजीर है ना? जी सर ये अंजीर है। ठीक ठीक पंडाल बना हुआ है जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ पर रोज पर डे। तो ये देखिए कार्य पूरा पंडाल बना हुआ है, यहाँ पीछे हमारे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर लाइटें जल रही हैं और काफ़ी लोगों को बैठने की चेयर। दोस्तों तो वीडियो हमारी समापन की तरफ बढ़ रही है, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये था अयोध्या महोत्सव 2022 जो छठे बोर्डिंग अयोध्या में लगा हुआ है।